बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल नसरीन किचन एंड ब्लॉग्स। में ये देखिए फ्रेंड्स, ये है खीमा। आज इफ्तारी में बनाने वाली हूँ। आज नौमा रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। आज इफ्तारी में बनने वाला है खीमा स्प्रिंग रोल्स। ये देखिए, ये खीमा है एक आधा किलो। ये बारीक कटी हुई प्याज और बारीक कटी हरी मिर्च और ये पुदीना और कोतमीर है, ये भी कट करने का है। ये देखिए, स्प्रिंग रोल्स बनाने के लिए यह आटा भी भिगा के रख दी मैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इस खीमे को गैस पे चढ़ा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, गैस पे कड़े है। इसमें बस थोड़ा सा तेल ऐड करी मैं। अब इसमें क्या करेंगे, इस खीमे डाल देंगे इसमें। तब तक खीमा सूखा हो जाएगा, खीमे के पानी में खीमा गल जाएगा। ये तो थोड़ा सा गलने के बाद इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। इसमें ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें डाल देंगे ढक्कन, इसको मीडियम फ्लेम पे रख देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, स्प्रिंग रोल्स के पट्टे रोल्स के लिए इसको जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा बेल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से अब इसको बाजू रख देंगे। इसको ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम इस पे क्या करेंगे, इसको ऑयल लगा लेंगे। चारों ओर से लगा के ऊपर से थोड़ा आटा छिनक लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, छिनक के एक और रोटी इस पे रख के इसको फिर से बेल लेंगे फ्रेंड्स। बेल के इसको अब इसको तवे पे डाल देंगे। इसको इस तरीके से अब इसको तवे पे डाल दूंगी। इसी तरीके से पूरे बना के दिखाऊंगी फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको पलट लेंगे। इसको देखिए इस तरीके से निकलते ही पट्टी अलग अलग। देखिए फ्रेंड्स, खीमा सूखा होगा, इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन। और इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर थोड़ी सी। और टेस्ट के हिसाब से नमक। टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे फ्रेंड्स। इसमें डालेंगे थोड़ी सी
हल्दी, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको और इसमें डालेंगे धनिया पाउडर 1 चम्मच फुल, और इसमें जाएगा थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, और इसको भी मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छा सा भून लेंगे। और इसमें डालेंगे प्याज और हरी मिर्ची, इसको भी मिक्स कर लेंगे। प्याज को ज़्यादा नरम नहीं करना फ्रेंड्स, प्याज ऐसी कच्ची कच्ची लेना। इसमें ऐड करेंगे कोथिमीर और पुदीना, और इसको भी मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा खेमा कबाबर बन के तैयार है, और इसको ठंडा होने देंगे। इसको शेरू 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 बाबा शेरू ये देखिए फ्रेंड्स, खेमा का बैटर ठंडा हो गया। अब चलिए बनेंगे। ऐ उतर नीचे नीचे उतर पायल, नीचे उतरो। ये देखिए फ्रेंड्स, कट कर ली मैं ये रोल्स शेप में। देखिए क्या करेंगे, ये खेमे के बैटर को इस तरीके से डाल लेंगे। आपको जितना चाहिए उतना डालिए। अब क्या करेंगे, दो तरफ ऐसा फोल्ड कर लेंगे, कर लेंगे इसको भी इस तरीके से फोल्ड करके सब पकड़ के रख के इसको क्या करेंगे, सब आटे का घोल। एकदम टाइट पकड़ के रखना, देखिए इस तरीके से। बन के तैयार है, देखिए फ्रेंड्स
इस तरीके से सभी ऐसे बना लेंगे। ये देखो फ्रेंड्स, तेल गरम हो रहा। अब इसमें ऐड करेंगे ये रोल्स। इसको थोड़ा मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे फ्रेंड्स। ये गेहूं के आटे के हैं फ्रेंड्स, इसलिए कलर ऐसा दिख रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे स्प्रिंग रोल्स माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया। अब इसको निकाल लेंगे फ्रेंड्स। इसको देखिए अच्छे से फ्राई हो गए। इसी तरीके से बाकी भी फ्राई करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको भी अच्छे से कलर आ गया। और इसको भी निकाल लेंगे। इसको ये देखिए फ्रेंड्स, ये है कॉर्नर पे जो कट करे सर, तो छोटे छोटे पीसेस कट करके इस तरीके से फ्राई करें तो बहुत ही टेस्टी रहते हैं। चिप्स